करौली में नव संवत्सर पर निकाली गई रैली पर हुए पथराव और उपद्रव को लेकर शुक्रवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करौली पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर मीणा ने हटवाड़ा में घटनास्थल का जायजा लिया और दंगा प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने मदन मोहन जी के दर्शन कर शांति, सद्भावना और परस्पर बंधुत्व की कामना की। मीडिया से बातचीत में सांसद मीणा ने कहा कि करौली विधायक की सह पर पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि यहां के स्थानीय लोग अपने रोजगारों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए तो मुझे कर्फ्यू में ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठना पड़ेगा। मतलूब निर्दलीय पार्षद और अमीनुद्दीन पार्षद जिसको सरकार द्वारा नॉमिनेट किया है और यहाँ के माननीय विधायक ने उनको नॉमिनेट कराया है, मैं पता लगाया पूरी पूछताछ के बाद कि माननीय यहाँ के विधायक उन दोनों को बचा रहे हैं। मैं माननीय विधायक को सलाह दूंगा कि आप जिन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि भारत माता के नारे लगाने वाले, वंदे मातरम का उद्घोष करने वाले और जय श्री राम का उद्घोष करने वाले व्यक्तियों को पर पत्थर फेंका है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, उनको कृपया एमएलए साहब आप बचाएं नहीं, उनको समर्पण करें, उनको पुलिस के सामने पेश करें और अगर उनको पेश नहीं किया गया तो मैं प्रशासन को विज्ञापन दूंगा जो पक्षपात हो रहा है उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को जो जुलूस में जा रहे थे और पत्थर फेंके जब भाग गए उनको पुलिस दोषी करार दे रही है। लेकिन जिन्होंने पत्थर इकट्ठा करके छत पर बड़ी मात्रा में इकट्ठे किए, पत्थर फेंके, दुकानों को आग के हवाले किया और सामान को लूट के ले गए, वो पुलिस की जानकारी में, वो नाम मेरी जानकारी में भी मैं दूंगा, उनको गिरफ्तार करने की मांग मैं राजस्थान की पुलिस से करता हूँ, एसपी साहब से करता हूँ। और अगर नहीं किया और कुछ एफआईआर ऐसी हैं जिनको हमारी एफआईआर को नुकसान की तो पुलिस दर्ज नहीं कर रही, उनको दर्ज कराएंगे, कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है मैं इस कर्फ्यू में भी धरने पर बैठ जाऊँ। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोगों ने अपनी जली हुई दुकान को मजबूर नहीं है कर गए भय के कारण और सामान लुटा हुआ, चार छह मेरे को जिनका सामान लुटा मेरे को मिले थे ढोली खार में, तो क्यों नहीं पुलिस उस सामान को दुकानदार को बर्बाद बरामद क्यों नहीं कर रही? ये पूरी तरह से तुष्टिकरण है, पक्षपात है कांग्रेस का, गहलोत सरकार का। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।